अपनी छोरी को ब्याह करा तो परमिशन लो डीसी का दौर है, खर्चो आपा लावा, छोरी अपनी बटे हुआ आपा पसंद करा और परमिशन लो डीसी का दौर है। क्यों रे सरकार के नकली आदमी हो, थामी प्रोग्राम करो, कोई उद्घाटन करो उस टाइम के ऊपर, मतलब परमिशन कीजिए तो रह लेने की जरूरत कोनी भाई। तो ये देखी थी मैंने दो चार मेरी माँ का आने की भाई, मातर शक्ति हो गई मेरी माँ का आने की, उनका लठ मार रहा क्या, सिर पाड़ रहा क्या, रही तो लो उपद्रव रख प्रशासन ने सारो उनको सोतो पानी उनको, नहीं तो अपने घर है का मैं सिर का मैं क्या खोल लेकर जा 307 लाख जाया करे। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, धन्यवाद। हाँ भाई राम राम सारा ने, मैं जिस तरह पहली भी धर्मोर कर्म के ऊपर मैं लाइव आया हूँ, लेकिन मेरा पेज हालांकि ब्लॉक तो कई साथी नु कहता हूँ कि भाई उस मामले के ऊपर उससे टाइम के ऊपर लाइव क्यों को नहीं आया। फेसबुक के ऊपर लाइव आई कोई फायदा को नहीं है, क्योंकि फेसबुक तो कोई मोटिव नहीं है, पेज एक भाइया था बात पहुँचाने एक बड़ा मोटिव करा है। लाइव की शुरुआत में बता दूं कि मैंने बहुत सारा क्रांतिकारी जो मेरा साथी हैं जो इस किसान आंदोलन का मैं जो लाग रहा हूँ ताई मैंने मतलब लाइव आके उन हालचाल भी मैंने हालांकि पूछो है। तो लाइव की शुरुआत है, सभी साथियों से भी एक बार अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को एक बार शेयर करें, जितना भी एक बार साथी हैं। किसान आंदोलन का मैं हिसार की एक घटना बड़ी एक दर्दनाक घटना है, उसका मैं आप सब ने भी एक बार देखी होगी, एक बार सारा साथी आता फिर एक बार बता दी हूँ कि मतलब पेज ब्लॉक होने के कारण मैं इस बात के ऊपर कोई राय कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकूं, नहीं मेरी भी बहुत मोटी तकलीफ थी। और भाई मेरा मास तो पहले भी कोई राजनीति कौन थी किसान आंदोलन के प्रति, कई कुत्ता आदमिया कई जलील आदमिया ने मतलब यह बात भड़काई पाओगी कि भाई कालू कौन बोल रहा है। आज मेरी आवाज को एक बार बुलंद करें, मैं बिल्कुल सहयोग साथ दे रहा हूँ, तो आप लोगों की भी एक कृपया होगी, बड़ी मेहरबानी होगी कि मेरी इस आवाज को एक बार बुलंद करें, उन लोगों तक पहुंचाने की आप लोग एक बार कोशिश करें, जितना भी एक बार साथी सारा दे। तो भाई जिस तरह तमी भी एक बार बात बताइयो, सारा जितना भी है सबका ग्राम भाण बेटी होंगी, सबका ग्राम छोरी छापरी होंगी, किसी न किसी को ब्याह भी थारा परिवार में धर्म पाओगो। अच्छा भाई अपनी छोरी को ब्याह करा तो परमिशन लो डीसी का दौर है, खर्चो आपा लावा, छोरी अपनी बटे हुआ आपा पसंद करा और परमिशन लो डीसी का दौर है। क्यों रे सरकार के नकली आदमी हो, थामी प्रोग्राम करो, कोई उद्घाटन करो उस टाइम के ऊपर, मतलब परमिशन कीजिए तो रह लेने की जरूरत कोनी भाई, तुम तो राजा हो गया उसे बात के ऊपर। हिसार के अंदर ये देखी थी मैंने दो चार मेरी माँ का आने की भाई, मातर शक्ति हो गई मेरी माँ का आने की, उनका लठ मार रहा क्या, सिर पाड़ रहा क्या, रही तो लो उपद्रव रख प्रशासन ने सारो उनको सोतो पानी उनको, नहीं तो अपने घर है का मैं सिर का मैं क्या खोल लेकर जा 307 लाख जाया करे, 307 को मुकदमा न उतारे झंडी ने सुखा दे पेड़ के ऊपर, अगर 307 लिख दे 307 तो उन्होंने बताया करी जी पेड़ न लिख दे, सच्चाई होगी यह बात है। एक बार जितना भी साथी है एक बार सारा साथी है फिर तो एक बार यह बात कहूंगो कि मेरी इस आवाज को बुलंद करने के लिए आप लोगों की एक बार सहयोग की जरूरत है, जितना भी 150-200 साथी मेरा है सारा एक बार फैला दो, प्रशासन के लिए मेरा एक चैलेंज है। अरे चोरी मारी भाई मेरा एक तकलीफ देख शुरुआत, चोरी मारी बटे मारो और पसंद हम करा खर्चो हम लावा और परसिस मतलब परमिशन डीसी का दौर लिया सच्चो दौर लो, सच्चो डीसी तो 2 रुपया कन्यादान का कोनी का लड़ना हूँ भाई, भाई आज सच्चो डीसी 2 रुपया कन्यादान का कोनी का लड़ना हुए, परमिशन लिया भाई मारी छोरी ब्याह था गरी रखा के लंगड़ो, सच्चाई की बात होगी यार भाई गरी रखा के छोरी अनगरी रखा भाई, वो परमिशन कौन दे नहीं है भाई परमिशन छोरी गरी रखा। अबे हिंदू धर्म के अंदर शर्माने की बात है कि एक लड़की की शादी के लिए
एसएचओ एसएचओ और डीएसपी डीसी के पास परमिशन लेनी पड़ती है। और आज हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जो आज ये हिंदू धर्म के प्रति बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाए बैठे हैं, भाई सारा एक बार साथी आता है, बार बार नहीं कहना चाहूं, लेकिन फिर तो एक बात कहूंगा कि सारा एक बार साथी ला गया रो, एक बार जितना भी साथी इस वीडियो ने फैला दो, मेरा पुंजड भी कोल पट्टा अपनो नंगड़ा वर्गो डेरो भाई, मोटा वर्गो काम है अपनो धर्म है हिंदू। किसे अगर कुत्ता आदमी ना नहीं बेरो तो बता दियो, हमारा जो धर्म है वो हिंदू, और इसके अंदर हमारी मातृ शक्ति, हमारी मातृ शक्ति के अंदर हमारी बहने आती है, हमारी माताएं आती है, हमारी छोरी छापरी बुआ फुफी सारी हवे है, उनकी इज्जत का सबसे पहला कर्तव्य है। अगर जिनने लठ मारा है उनता एक बात बता दिया हजी, इस तरह जिनने गलत करी उनता भी एक बात को जवाब है कि हमारे समाज के अंदर अगर हमारी बहन बेटी के सामने कोई आंख उठा के देख लेता है, आंख उठा के लठ मारना और बोलना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, अगर कोई आंख उठा के देख ले भाई साहब आड़ा मानस मर जाया करे है, सच्चाई होगी रहा। अगर थारा मत किसी साथी के पास कोई जवाब है क्या? अगर मेरी बात अगर वास्तव में सही लागे फैला दो इस बात ने, 250-300 के करीब मेरे साथी जुड़ने लग रहे हैं, 300 साथी अगर पांच पांच ग्रुप भी इस बात ने शेयर करेंगे, पांच पांच ग्रुप का मैं भी शेयर करेंगा, बहुत सारी मेरी आवाज जो बुलंद बनेगी। सारा एक बार साथी फिर कहो कि इस आवाज को एक बार बुलंद करें भाई, बाण मारी जीरो तो लग जाओ इस बात के ऊपर, अगर किसी का तकलीफ हो मेरी बात जीरो तो सुन लियो भाई। हालांकि बहुत सारा मुद्दा है उनके ऊपर मैं बातों को बताऊंगा, लेकिन मेरी इस आवाज को एक बार आप लोग सभी साथियों तक शेयर करने की कोशिश करें। अपना घर हम छोरी होगी, ब्यावन सारा होगी, ब्यावन सारा छोरी सब ब्याह में ब्याहूं दाऊंगा भाई, बता तो दो ब्याहूं दाऊंगा ब्यादी, अगला ना अपनी छोरी पसंद है, अपन बटे वो पसंद है, परमिशन कहां से लेनी पड़ेगी? प्रशासन के पास, क्यों भाई? शादी प्रशासन थोड़ी करता है, शादी हम करेंगे, खर्चा हम लाते हैं, बटे वो मारा लड़के मारे प्रशासन की क्या उसके अंदर। और रही बात, चलो भाई कोई बात को नहीं, चलो कोई भी बात को नहीं, कानूनी सा हो जाए करें, क्या सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के लिए ही ये कानून अकेला है? 300 साथी जुड़ गया एक बार भाई, झूठ हो तो झूठ लिख दो, कहीं इसके मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, मैं किसी को नहीं, मेरी बात जो मेरे मन में आओगी वह मैं बताऊंगा। क्या ये सब कानून एक गरीब आदमियों के लिए ही लागू है, मनोलाल खट्टर के लिए नहीं? जो मतलब अपनो प्रोग्राम इस हार का मैं उद्घाटन करा है, इस हार का मैं उद्घाटन कर, 5 आदमी पा जा, और मारी छोरी के भी हम 5 आदमी क्यों रह नकली हो? मारी छोरी कौन है? मारी छोरी का मन का मैया शंका कौन है कि भाई मारो भी ब्याह एक धूम धड़कत हो, फ्लोर डीजे लग गए, बढ़िया आदमी आवे, बढ़िया बराती लावे। लेकिन ये प्योर अंधा कानून है। अच्छा फिर आ जाओ हिंदू धर्म की बात करने वाला आदमी, हिंदू धर्म की बात करने वाला आदमी है तो मेरा एक चैलेंज है सारा साथी, तो एक बार एक बात कहूंगा कि जितना भी एक बार साथी सारा एक बार इस वीडियो ने एक बार शेयर कर दो, फिर तो एक बार हिंदू धर्म का मैं बहन बेटी की एक बहुत बड़ी मान और मर्यादा मानी गई है, चाहे उसके मैं थारी और चाहे मारी हो, हमने सदा कोई राजनीति नहीं खेली, ना हमारा कोई घर परिवार मत कोई राजनीति आदमी, हम हमारे मन का मैं जो बात आई वो बताऊ उनकी, 350 साथी मेरा ही तमें एक जवाब दे दियो। क्या भाई मैं तो एक बात बताऊं, किसान आंदोलन साइड में धर दो, किसान आंदोलन साइड में धर के क्या हमारी मातृ शक्ति, हमारी बहने और अपनी छोरी छापरी बुआ बोटली उनके ऊपर लाठी गोली चलाना अनिवार्य है क्या? भाई बता दो एक मिनट, खुल के बताओ यार, कालू गलत है तो कालू ने गलत बताओ, मेरे को तकलीफ नहीं है, अगर कालू कुड़ल गलत है तो गलत बताओ भाई, सच्चाई होगी। लेकिन कालू कुड़ल अगर गलत नहीं है तो कालू कुड़ल ना सही बताओ, क्या मातृ शक्ति के ऊपर लाठी डंडे? कोई बात को नहीं, अपनी मांगे हर एक कोई मांग सकता है, मैं भी मांग सकूं मेरी मांग, लेकिन मैं कदे इन मांगा ऊपर कदे कोई भी किसी प्रकार की मांग के ऊपर माड़े हुए को नहीं, ना मैं कदे प्रशासन, ना मैं भाई, ना मैं कदे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद का मैं पड़े हूं। मैंने एक चीज देख रखी है कि भाई
अपनो काम, भाई मारो काम प्योर जिस तरह गोबर गेरे ते चल सके, भाई मारो काम प्योर गोबर गेरे ते चल रहा है मन बेरो गोबर हम गेरा तो ही मारा साथी गेरी बात बराबर। लेकिन मांग मांगना कोई भी गलत नहीं है, स्वतंत्र है इस धरातल के ऊपर है। आदमी अपनी जिंदगी अपनी मांगे मान सकता है, लेकिन उसका आधार ये नहीं होता कि उसके ऊपर लाठी डंडा अरवा भी फिर क्या ऊपर। आदमी तो वास्तव के अंदर गंदा होता है, आपने एक बात बता दूं, आदमी वास्तव में गंदो है। मैं भी सब तबड़ो गंदो मान लियो भाई, मैनू को नहीं कहूं तू गलत है जान जो के जाट भाई, मैं गलत हूं तो भाई मेरे पुंजड़ पाट दे तू दोस्त, ठीक है भाई मैं अगर गलत हूं मेरे पुंजड़ पाट ले भाई, मतलब क्यों बताओ ये बात पर ना जाड़ते।